तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट का दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा एपिसोड। इस समय हम हैं जो जोधाबाई थी अकबर की पत्नी, जिसको वो बहुत प्यार करता था क्योंकि वो हिंदू धर्म के घराने से संबंधित थी। तो यहाँ इस महल में उनके लिए एक मंदिर बनाया गया था जहाँ वो आकर डेली पूजा करती थी। इस मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ भी थी, और इसका जो डिज़ाइन है, जो ये आर्ट की हुई है, ये हमारे हिंदू धर्म के चिन्हों से संबंधित है जो यहाँ बनाया गया है। इस मंदिर को बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा बनाया गया था, जहाँ डेली यानी कि रोज़ाना वो अपनी पूजा यहाँ करती थी। तो अभी चलते हैं इसके आगे, और जहाँ हमारे हजरत सेम सलीम चिश्ती जी की दरगाह भी बनी हुई है, तो अभी वहाँ के भी दर्शन करेंगे। जिस जगह को अभी हम देख रहे हैं, यहाँ जो शेख सलीम चिश्ती हैं, उनके परिजनों की बहुत सारी यहाँ कब्र बनी हुई हैं। उनके परिवार के लोग जो भी अभी तक गुजर जाते हैं, वो जिनका इंतकाल हो जाता है, उनको यहाँ लाकर दफनाया जाता है, उनकी कब्र बना दी जाती है। तो बहुत सारी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं जो सभी उन्हीं की फैमिली से। यह जो हम सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, यह एक सुरंग है जो कलकत्ता और पेशावर तक जाती है, यानी कि पहले लोग यहाँ से इन जगहों तक चले जाते थे, और अभी ये जगह बंद है। जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक एसी का काम करता है। पुराने ज़माने में यहाँ से ठंडी हवा आया करती थी। जो कब्रें देख रहे हैं, ये सारी कब्रें वही हैं जो सलीम चिश्ती, हजरत सलीम चिश्ती, चाहिए उन्हीं के परिवारजनों के लोग हैं जिनकी वो कब्रें बनी हुई हैं। सामने जो हम देख रहे हैं, यही है वो शाही दरगाह जो हजरत सलीम चिश्ती की कब्र बनी हुई है। तो जानते हैं इसके बारे में भी कुछ आगे। यह दरगाह हजरत सलीम चिश्ती की बनी हुई है, जिसको के अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उनके बेटों को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। तो जून 1573 में अकबर ने गुजरात विषय के साथ इस क्षेत्र को भी जीत लिया, और इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया। और अकबर ने इस समाधि का निर्माण संत के सम्मान में वर्ष 1580 और 1589 के बीच करवाया। यही है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में ही दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसे जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने 1602 में करवाया था। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी में ही दुनिया का सबसे बड़ा यह दरवाज़ा है, जिसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। इस दरवाजे का निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान सम्राट अकबर ने 1602 में करवाया था। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा होने के कारण हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग इस दरवाजे को देखने आते हैं। यह एक दिलचस्प वाक्य है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर जीत प्राप्त करने की याद में 1602 में बनवा दिया था। दरवाजे में प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित है। इसमें 1601 में दक्कन पर सम्राट अकबर की जीत के अभिलेखों से संबंधित है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है, जिसमें 42 सीढ़ियां हैं। दरवाजे को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके साथ ही इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद की ओर खुलता है। तो बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित बाइबिल की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। बुलंद दरवाजे पर बाइबिल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। बुलंद दरवाजे पर बनी फारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है, और इतिहासकारों द्वारा अक्सर यह विविध परंपराओं और संस्कृति के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फतेहपुर सीकरी घूमने
में हमने यहाँ का जो है फोर्ट किला, जोधाबाई का पैलेस और सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ये सभी चीज़ें देखी। हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, आपको भी अच्छा लगा होगा। इस समय हमारी बस आ गई है और जिस बस से हम आए थे यहाँ उसी तरह से ये बस हमें वापस वहाँ छोड़ देगी। तो अभी हम बस में बैठ गए हैं और चूँकि इसका किराया 30 रुपये है जो एक बार ही हमने पे किया था, अब हम आराम से इस बस में बैठकर पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। वहां से हमारी टैक्सी खड़ी हुई है और अपने टैक्सी में निकल जाएंगे हम आगरा के लिए। तो दोस्तों यह है जो टूर है यह बहुत ही अच्छा है और अभी आगे हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं जो यहां के लोकल लोग पत्थर से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हैं सजावट के लिए, साज सज्जा के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो कुछ आइटम सेल करने के लिए कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वो भी आप देखेंगे। तो जब भी आप विजिट करने यहाँ जाएंगे तो आप वहाँ से वो खरीद सकते हैं। तो गाड़ी हमारी चल रही है अभी बड़ी तेज़ और यहाँ का जो सीन है दृश्य कुछ इस टाइप का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसमान साफ है, चारों तरफ हरियाली है और लग रहा है कि हाँ हम किसी एक बड़े किले के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। हमारी बस पूरी भरी हुई है, बस में बहुत सारे लोग साउथ से आए हुए हैं, पूरी टीम जो मेक माई ट्रिप की तरफ से अपना टूर बुक करके यहाँ आई हुई थी। इन्होंने ताजमहल भी देखा और आज ये फतेहपुर सीकरी को देखने आए हैं हमारे साथ। तो हम भी इन्हीं के साथ इंजॉय कर रहे हैं। सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे व्यवहार से ये सब के साथ व्यवहार रख रहे हैं, सभी से बोलचाल कर रहे हैं और इन्जॉय लाइफ का कर रहे हैं। सभी लोगों ने वाइट कैप लगाई हुई है जिससे कि इनके ग्रुप का पता चले। इनके पास एक गाइड भी है जो इनको समय समय पर पूरी जानकारी दे रहा है। तो आज का जो सफरनामा है, आज का जो टूर है, विजिट है, ये बहुत ही अच्छी रही है। आशा है आपको भी आनंद आ रहा होगा हमारे साथ साथ में। हम और हमारी मिसिज दोनों इस टूर का आनंद ले रहे हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और हमने पूरा चीज़ों को देखा भी और उनके बारे में जानकारी भी दी। मैडम हमारी खुश हैं जो हमको अभी बुला रही हैं आगे के लिए, क्योंकि जहाँ हमारी खड़ी है गाड़ी यहाँ आया। हम रेस्टोरेंट भी है, हम कुछ खाने के लिए भी कुछ खा सकते हैं देख के, अगर हमारी पसंद की कोई चीज़ मिलती है। पर हाँ, यहाँ घूमना बनता है, कुछ चीज़ें जो परचेज करने लायक हैं तो यूनिक आइटम कुछ हैं तो हम यहाँ से उन यूनिक आइटम को ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं स्टोन से बनी हुई हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं, जो हो सकता है कहीं और ना मिले, राजस्थान में मिल जाती हैं, पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो उसका भी एक है स्टॉल है, मैं भी शायद आपको कुछ थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वो सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे पत्थर के छोटे छोटे आइटम बड़े ही डिजाइनदार बने हुए हैं और जिनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इनको हम यहाँ से ख़रीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पैसे के मिलेंगे, पर यहाँ ये 300 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से इनके रेट हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बात करके भी आपको इनके बारे में सारी जानकारी दिलवा दूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आगे, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये देखो यहाँ का ये बहुत स्पेशली वर्क है, इसमें अगरबत्ती लगाते हैं। कितने का है ये वाला? 3500 रुपये का पत्थर का है, ये मार्बल का स्टोन के अंदर है। पानी में डालेंगे तो कलर चेंज होगा। ये देखो हाथी के अंदर हाथी, ये प्रेग्नेंट एलिफेंट है, एक ही स्टोन से बनाया ये वन पीस में। ये ज्वाइंट नहीं है इसमें, ये 600 रुपये का है। और ये वाला इसमें देखो आप, ये वाला जो है ना ये 400 रुपये का, ये बंद वाला काम है इसमें। और ये टी लाइट है, यहाँ की स्पेशली वर्क है। ये देखो आप, इसके अंदर में छोटा यहाँ दिया लगाते हैं, छोटा टी कैंडल के लिए। उस जमाने में लाइट वगैरह नहीं होती थी, इसमें दिया लगाते हैं। रख लो एक यादगार। कछुआ है इसमें, ये पत्थर का 200 रुपये का पत्थर का। ये कंबाइन में इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी।
ये हमारे सीकरी गांव में आज भी 10,000 लोग इसका काम करते हैं। यहाँ कोई मिल फैक्ट्री वगैरह नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं, खुद ही सेल करते हैं। और ये देखेंगे आप, हाथी के अंदर हाथी बना है, एक ही पीस के अंदर हाथी है, उसके अंदर फिर एक और हाथी है, वन पीस के अंदर है, कोई जॉइंट वगैरह नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर सर दो हाथी हैं, इसके अंदर तीन हाथी बनाए गए हैं हम लोगों ने, हाथी फिर उसके अंदर हाथी है, फिर एक और हाथी बनाया गया, 3 टाइम प्रेगनेंट से एलिफेंट से। और ये टी लाइट की नहीं है, यहाँ छोटा दिया साइज का आप कैंडल लगाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे कवर कर देंगे ऐसे आप, तो बहुत ही सुंदर ऐसा लाइट निकलता है जैसे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। और ये स्टोन जो है ना पानी में डालने से कलर भी चेंज करता है सर जी। जी अभी जो दीपावली आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, तो हम लोग कैंडल वगैरह लगाते हैं, तो इसमें वो भी यूज़ आता है। अभी इसको मैं पानी के अंदर ड्रिप करूँगा तो ये स्टोन कलर भी चेंज करता है, ये देखेंगे आप। अगर आपको ऐसा कलर पसंद है तो आप इस पर वार्निश पॉलिश या वैक्स पॉलिश लगा सकते हैं, ये परमानेंट हो जाएगा। अगर नहीं है पसंद तो 5 मिनट के बाद जैसा था वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे दादाजी ने बनाया स्पेशल, जिनकी 80 साल की उम्र है। फर्स्ट में आप इसको पेपर वेट के लिए यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर आप धूप बत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती लगाने के बाद एनी साइज कैंडल लगा दीजिए। कैंडल नहीं लगाना चाहते हैं तो 5 यहाँ पर इंसेंस लगा देंगे आप। इंसेंस लगाने के बाद इसको ऐसे कवर कर देंगे, कवर करने के बाद डस्ट इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा मैडम, डस्ट इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। जब अगरबत्ती लगा देंगे आप तो पूरे रूम के अंदर फ्रेग्रेंस आएगा। और ये कोसो सेट है टी कवर ग्लास कवर के लिए, जैसे हमारे घर पर गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग टी कवर ग्लास कवर के लिए ये देते हैं। ये बहुत स्पेशल है, यहाँ 6 प्लेट है विद स्टैंड के साथ। और एक ये है जंगल एलिफेंट बाबू जी। और यहाँ बहुत सस्ता है बाबू जी, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, हमारे शोरूम प्राइस नहीं है, हम लोग तो लेबर सेलिंग में बेचते हैं। ये बाबू जी जो हाथी देख रहे हैं ना, ये केवल 200 का है, हाथी दिया है उसके अंदर एक और हाथी है। और ये टी लाइट की नहीं है, ये 250 का है। यहाँ पर छोटा कैंडल लगा देंगे, ये कैंडल 250 का, और ये अगरबत्ती वाला 600 का है। अच्छा, इस शॉप का नाम बताओ। ये शॉप नंबर 3 है, हेरिटेज आर गैरली के नाम से ये। अच्छा, क्या नाम है? गुलिस्ता सुपर कॉम्प्लेक्स के नाम से, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। अगर कोई आदमी ज़्यादा सामान ले तो डिस्काउंट भी है? जी जी जी, डिस्काउंट भी है सर, हमारा फिक्स प्राइस नहीं है। कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता घर भेज देते हैं? जी जी, ऑनलाइन भी भेज देते। मोबाइल नंबर बता दो। ये मोबाइल नंबर हमारे बड़े भाई बताएंगे। ये अपना मोबाइल नंबर है सर, 9808018780। ये देखेंगे सर, अभी ये गुजरात जा रहा है पार्सल। ये पार्सल के बन के जाते हैं, अच्छा पैकिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको लेकर। हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर फोटो वगैरह सब मिलेंगे हमारे यहाँ से, आपको सब कुछ देंगे हम लोग। और जो आप सामान मांगेंगे वो भी आपको बनने के बाद मिल जाएगा। और जो आप प्रोडक्ट बनवाने भी चाहते हैं अपना अपने मन पसंद, वो भी आपको बनाने के बाद हम लोग देंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैडम आपने कितने का लिया है? ये 600 का। आपको पसंद आ गया ये? बहुत सुंदर लग रहा है। ये अगरबत्ती स्टैंड देखो, इसमें अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, इसको कैंडल स्टैंड भी बना सकते हैं। तो बाकी लोगों के लिए क्या कहोगे, उन्हें भी लेके जाना चाहिए अपने घर के लिए? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा है आपको भी लोग अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लोग अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।